बताऊं, अब तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए 2 सीटें कम से कम तमिलनाडु में दिखा रहे हैं, और तमिलनाडु आपको लग रहा था कि 2 सीटें हैं, उससे ज्यादा आपको लग रहा था कि जिस तरीके की मेहनत है शायद ज्यादा सीटें आएंगी, आपको लग रहा है कि 2 सीटें एग्जिट पोल आंकड़े, ये परिणाम ऐसा ही हो सकता है? देखिए, तमिलनाडु एक गढ़ है, लेफ्ट का गढ़ है, उधर पूरा आप देखें बीजेपी का कभी उधर प्रभाव नहीं देखने को मिला, और अगर 2 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि बंगाल में भी ऐसी शुरुआत की थी, फिर अगली बार कितनी सीटें बढ़ी, इस बार कितनी सीटें बढ़ रही हैं, और तमिलनाडु में जो एक पूरा लेफ्ट का बना हुआ एक गढ़ था उसमें अगर एंट्री बीजेपी करती है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आगे होंगे। और कई चीज़ आप देखेंगे जो तमिल संस्कृत का जो मोदी जी ने कार्य किया उसको जोड़ने का, संपर्क बनाने का, इसका प्रभाव बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत की मौसेरी बहन तमिल है। कहाँ 70 के दशक में नारे चलते थे भारत के अंदर कि तमिलनाडु तमिल वालों के लिए और हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए, आज वो नारे तो टूटे, मैं इस बात को कहूंगा। दूसरी बात, आरक्षण की बात आपने कही, आरक्षण बहुत ही सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील मुद्दा भारतीय राजनीति में रहा, और अब से नहीं पूना पैक्ट से रहा जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के आप डिबेट को उठाएंगे कालरा जी, तो उसमें सिंपल सा, क्योंकि हमारे यहाँ समाज जो है जातिगत आधार पर बटा हुआ है, उसी आधार पर फिर आपका आरक्षण की बात, और SC ST आरक्षण की रिजर्वेशन की बात तो पूना पैक्ट में हो गई थी, उसी सीट का डिवीजन हुआ था। तो ये बात रही मुस्लिम आरक्षण को लेकर, सरदार पटेल ने खुद संविधान सभा में कहा था, ये बात चली थी मुस्लिम आरक्षण को लेकर, सरदार पटेल ने कहा था अभी पाकिस्तान बना है और अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे, संविधान सभा में सरदार पटेल की डिबेट का आंसर मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि SC ST OBC को आरक्षण, देखिए OBC को आरक्षण तो मूलतः संविधान में शुरुआत हुई नहीं थी, इसके लिए कालेलकर कमीशन, फिर बाद में मंडल कमीशन, कांग्रेस ही पार्टी वो थी जिसने कालेलकर रिपोर्ट को भी दबाए रखा 1955 की रिपोर्ट को, और फिर आपका मंडल आयोग की रिपोर्ट 79 बन के एक्टिव में आ गई थी, 90 में VP सिंह सरकार ने उसको लागू किया। और आप देखिए SC ST के लिए जो आयोग है वो भी 78 में बना है कालरी जी, अगर आप देखें जो आपका नेशनल आयोग है SC के लिए और ST के लिए 78 में जब जनता पार्टी सरकार थी, और आप देखें जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है और 93 में बना और उसको संवैधानिक दर्जा बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। तो बात यह कि आरक्षण का मुद्दा, और दो बात कह रहे थे बार बार, महंगाई की बात, देखिए महंगाई का 2009 2011 2013 अगर आप इसका डाटा देखेंगे तो 10 11 और 12% तक आपकी महंगाई की रेट गई, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में 5% से नीचे रही है। और जितनी भी आप देश देखेंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बहुत डाटा पर बात कर रहा हूं, 3 से 5% के बीच में महंगाई रहनी ही चाहिए, अगर 3% से नीचे जाएगी तो विकास रुक जाएगा। अब कोई ये कहे जी नेहरू के जमाने में तो 1 रुपया लीटर हमको क्या मिलता था, दूध मिलता था, आज 60 मिल रहा है, ये तो कोई तुलना नहीं, महंगाई बढ़नी चाहिए। लेकिन दूसरी बात क्या है, जब मनमोहन जी का टाइम हम देखते हैं तो 56,000 रुपया पर प्रति व्यक्ति हमारी आई थी, आज 1,71,000 क्या प्रति व्यक्ति आए हैं। तो बात ये नहीं है, देखिए बात क्या है, मुद्दे बन सकते थे, मुद्दा क्या था, पेपर लीक का मुद्दा जो विपक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि पेपर लीक हुई, लेकिन क्या सरकार ने उस पर एक्शन लिया या नहीं लिया उसको देखा। और दूसरी बात क्या है कि जो हम यूथ को भी देखते हैं तो यूथ में ये नहीं कि सारे यूथ में सरकारी नौकरी का क्रेज है, बहुत सा यूथ है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, जिसको स्टार्टअप मुद्रा लोन के तहत पैसा दिया गया। तो बात ये नहीं कि हम केवल सरकारी नौकरी बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आप, मैं एक बस लास्ट बात बोलता हूं, टोटल सरकारी नौकरी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, 2% से ज्यादा हमारी नहीं हो सकती। आज हमारे पास यूथ है 65%, यानी कि 90 करोड़ यूथ है, आप कितने यूथ की बात करेंगे, 3 करोड़ के यूथ की आप सरकारी नौकरी की बात करेंगे, बाकी को तो रोजगार देना है, उसी के लिए तो मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, निवेश आएगा, उसके लिए कार्य हो रहा है। तो बात है कि मुद्दा बनाना था तो मुद्दा बना के पब्लिक बीच में जाना था। मोदी जी योगी जी 40 रैली कर चुके थे जब अखिलेश यादव जी और राहुल जी ने अपनी रैलियां शुरू की, यानी कि बहुत लेट कंपेनी आपने शुरू की, जनता के बीच आपको जाना चाहिए था। यही बात ठीक है विनोद जी, आपको लगता है जो बात निपुण जी कह रहे हैं और दूसरा जो आंकड़े आ रहे हैं तमिलनाडु के 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए यहां पर नजर आ रही है, जहां 0 थे या बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं थी वहां पर 2 भी आना, क्या आपको लगता है बड़ी बात है? बिल्कुल, साउथ में एंट्री का प्रयास बीजेपी लंबे समय से कर रही है, पहले पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे उन्होंने कर्नाटक में काफी अच्छी सफलता प्राप्त की थी, और अब जो तमिलनाडु में जो 2 की बात आ रही है ये उनके लिए, बल्कि 4 आ रही है उनके 2 सहयोगियों की, तो जो ये आ रहा है ये एक संकेत है उनके लिए कि दक्षिण भारत में सेंध मारी है बीजेपी ने, जो कम होगा वो दक्षिण में आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब अभी आ रहा है सब आंध्रा में जो है NDA का वो 23 से 19 से 23 के बीच में ला सकते हैं, अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, तो ये चीजें संकेत करी, क्योंकि उनको पता है कि 2019 में उत्तर भारत में जितने राज्य हैं उनमें पीक पर थी बीजेपी, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकती है, तो उसकी जो अगर जो कम भी होगा संगठन बनने के बाद, जैसे पंजाब में है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? तो उसकी भरपाई 2-3 राज्य हैं, साउथ में हो गया
उसके अलावा उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहां से भरपाई कर पाएंगे तभी अगर सत्ता में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं सत्ता में आने की फिर कोई संभावना नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा वाराणसी में तमिल संगमम सम्मेलन किए गए, तमिल के लोगों को बुलाया गया और वहां जाके भी उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों में काफी मोदी जी घूमे हैं, तो वो एक तरीके से संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया और संस्कृति के जरिए ही वो वहां पर साउथ में अपनी एंट्री कर रहे हैं और वही कोशिश की है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा अभी तक जितनी भारतीय राजनीति में उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की बहुत ज़्यादा आपस में वो रही है, विरोधाभास रहे हैं, चाहे हिंदी को लेकर या भाषा को लेकर जो रहा है, उसको संस्कृति के जरिए जोड़ने का प्रयास किया है बीजेपी ने ताकि वो सत्ता में अपने को बैलेंस रख सके। लेकिन जो विपक्ष का जो इनका गठबंधन बना है उसमें जैसा कि अभी निपुण जी कह रहे थे देरी कर दी, मैंने पहले भी बोला ये बात कि इन्होंने गठबंधन बनाने में देरी कर दी और इसलिए समय नहीं मिला। आप देखिए 6 महीने पहले तैयार हुआ, जो तैयार हुआ जिस तरीके से नीतीश कुमार आगे आए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की, फिर नेतृत्व को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर वो हुए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि 7वें चरण आते आते जो पूरा मुद्दा है वो मोदी वर्सेज राहुल गांधी हो गया, जिसकी कोशिश कांग्रेस शुरू से ही कर रही थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जी।